अवाम से कांति वेलगु के 19 जनवरी को होने वाले आई कैंपस से मुस्तफीद होने रुकने असेंबली मौजम खान की अपील। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से कंटी वेलुगु बोल के एक प्रोग्राम चालू हो रहा है जो सेकंड फेज का है, और ये प्रोग्राम आँखों के लिए होता है। जो भी आँख का इलाज कराना चाह रहे हैं, आँख का चेकअप कराना चाह रहे हैं, ऐनक की ज़रूरत पड़ती या जो भी ज़रूरत पड़ती है आँख के ताल्लुक से, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से किया जा रहा है। और मैं आपके चैनलों के ज़रिए इसलिए आकर कहना ज़रूरी समझता हूँ, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 6 डिवीज़न है, फलकनुमा, नवाबसा कुंटा, जहानुमा, दूधबोली, रमनसपुरा, किशनबाग, और ये 6 डिवीज़नों में गवर्नमेंट की जानिब से हर डिवीज़न में 2-2 सेंटर्स लगाए जा रहे हैं। तो आपसे कहने का मतलब ये है, इस प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। गवर्नमेंट की जानिब से आँखों का फ्री चेकअप है, अगर ऐनक की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐनक लगाया जाएगा, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा से बड़ा ऑपरेशन भी फ्री किया जाएगा आँख के ताल्लुक से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स, कॉर्पोरेटर्स, MLAs को यही कहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट के स्कीमात निकलते हैं, वो सारे प्रोग्रामों को आप आवाम के दरमियान में लेकर जाइए, आवाम के दरमियान में लेकर जाकर आवाम को फ़ायदा पहुंचाइए। तो आज मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, ये बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी और शहर हैदराबाद में 19 तारीख से प्रोग्राम है, हर डिवीज़नों में 2-2 सेंटर्स है, अपने आँखों का चेकअप कराइए और अच्छे तंदुरुस्त रहिए। शुक्रिया बताता हूँ।